हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अच्छी केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है। केचुआ खाद बनाने के लिए हमें वर्मी मेड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके मेजरमेंट जैसा वीडियो में शो हो रहा है उस टाइप से आप ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए हमें सबसे पहले नीचे की ओर नीम की पत्तियों की लेयर हमें बिछानी होती है। उसके बाद में हम इसमें सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके और जो गोबर खाद होती है वो डाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए ये 10 से 15 दिन पुराना हो, सड़ा हुआ हो, तभी वर्मी बेड में डालें। जब ये पूरा वर्मी बेड भर जाए तब उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दें और उसके बाद में इसमें केचुए छोड़ दें। आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये केचुए जो है इसमें डाले हुए हैं ऊपर की लेयर पर। जब ये पूरे केचुए इसमें डाल देते हैं तो ये जो गोबर खाद और वेस्ट मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि चाय की पत्ती उबालने के बाद में हो जाती है उस टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। हमेशा ध्यान रखिए इसमें ताज़ा गोबर ना डालें और हमेशा इसको पार्शियल शेड में ही रखें, अदरवाइज जो केचुए हैं वो मर जाएंगे या फिर नीचे के तले पर बैठ जाएंगे और पूरी तरीके से हमारी जो खाद है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। अब इसको जिस तरीके से यहाँ पर 60 से 70 दिन के बाद में ये कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, फिर इसको एक मशीन में डालकर इसके बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है और जो छोटी छोटी बारीक बारीक सी महीन जो खाद बनकर हमारी तैयार होती है उसको पैक कर लिया जाता है। अब ये बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।